अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैश्यनवर है और 11th क्लास बायो के अंदर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, वाटर तक की बात कर ली थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, इस बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन बोर्ड से डिफरेंट है, दैट इज़ वेरी टाइम लगेगा आपको। नाउ वी नो दैट के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, बिकॉज दीज आर कार्बन जो कि एसोसिएटेड होते हैं वाटर के साथ। अगर आप फार्मूला देखें तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो C6H12O6, सो वी नो दैट के 6 × 1, 6 × 2, तो ये वाटर का फार्मूला बनता है H2O। तो ऐसा लगता है कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ चिपका हुआ है। नाउ बेसिक जो डेफिनेशन है इसकी, वो केमिकली जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। तो इन्हें हम कहते हैं, अब ये डेफिनेशन आपने शायद पहले ना पढ़ी हो, अगर पढ़ी हो तो शायद केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी हो। तो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वी नो दैट बिकॉज इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड होता है। दे आर पॉलीहाइड्रॉक्सी, पॉलीहाइड्रॉक्सी का मतलब होता है दे हैव मल्टीपल OH ग्रुप, ठीक है। तो दे हैव मल्टीपल OH ग्रुप, तो इन्हें हम पॉलीहाइड्रॉक्सी कहते हैं। अच्छा, पॉलीहाइड्रॉक्सी दो तरह के होते हैं, या तो इनके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, यहाँ जो बना हुआ है आपके पास CHO, C के साथ डबल बॉन्ड O है और एक तरफ H लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप। जिन लोगों ने सेकेंड ईयर पढ़ ली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दे नो दैट। या फिर कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन के अंदर C जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होता है डबल बॉन्ड, और उसके दोनों तरफ कार्बन होता है, ठीक है, इस तरफ भी कार्बन है और इस तरफ भी कार्बन है। तो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो या तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होते हैं, यानी मल्टीपल OH के साथ एल्डिहाइड ग्रुप होता है, या फिर मल्टीपल OH के साथ कीटोन ग्रुप होता है, या फिर ये चेंज हो सकते हैं ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके ज़रिए इन्हें चेंज किया जा सकता है ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर। तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स हैं, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो या तो डायरेक्टली ऐसे नज़र आ रहे हों, या फिर किसी रिएक्शन के नतीजे में आपको ये फॉर्म होते हुए नज़र आ जाएँ, तो ऐसे तमाम कंपाउंड जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। वो कौन से रिएक्शन है जिनके जरिए इन्हें ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? तो हाइड्रोलिसिस, आपको पता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जैसे कि स्टार्च है, तो स्टार्च के अंदर ग्लूकोज 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 बहुत सारे ग्लूकोज लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, क्यों? क्योंकि इसको मैं तोड़ूंगा, अगर इसका मैं हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा तो मुझे ग्लूकोज मिल जाएगा, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि इस तरह का नज़र आता है आपके पास, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस के जरिए या ऑक्सीडेशन के जरिए या रिडक्शन के जरिए आप इन्हें कन्वर्ट कर सकें इनके अंदर। अच्छा, क्लासिफिकेशन मोर और लेस सिमिलर है, इन्हें शुगर्स भी कहते हैं, इन्हें सैक्राइड्स भी कहते हैं बिकॉज दे हैव अ स्वीट टेस्ट। अच्छा, जो क्लासिफिकेशन होती है वो नंबर ऑफ यूनिट्स के बेस के ऊपर होती है, नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स, जिन्हें आप सैक्राइड कह लें या जिसे आप मोनोमर कह लें, ठीक है। तो छोटे छोटे यूनिट्स के बेसिस के ऊपर जो है वो क्लासिफिकेशन होती है। अगर एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है कि जिसके अंदर सिर्फ सिंगल यूनिट है, सिंगल सैक्राइड है, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज है, ठीक है, या फ्रक्टोज है, ठीक है, या आपके पास गैलेक्टोज है, ये ऐसे हैं जो कि सिंगल है, इनको अगर आप फर्दर तोड़ेंगे तो आपको शायद कार्बोहाइड्रेट ना मिले। तो ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें हम मोनोसैक्राइड्स कहते हैं, दे आर सिंगल सैक्राइड यूनिट। अगर इस तरह के आप 2 से 10 के करीब जोड़ दें, यानी 2 जोड़ दें 3 जोड़ दें 10 तक जो है वो अगर आप जोड़ दें, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं ओलिगोसैक्राइड। इसमें थोड़े से सैक्राइड यूनिट्स होते हैं, थोड़े से छोटे यूनिट्स होते हैं, और अगर बहुत सारे आप जोड़ दें, 10 से ज़्यादा, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं पॉलीसैक्राइड। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स के बेस के ऊपर जो है वो 3 कैटेगरीज हैं। अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं, उनमें सिंगल यूनिट होता है, इन्हें सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इनको आप फर्दर तोड़ेंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, दैट इज़ वाई इन्हें सिंगल सैक्राइड यूनिट या मोनोसैक्राइड कहते हैं। दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर स्वीटेस्ट। तो आपने याद रखते हैं, सारे मोनोसैक्राइड जो हैं उनको अगर आप जबान पर लगा कर देखेंगे तो आपको मीठा मीठा महसूस होगा। नाउ ओलिगोसैक्राइड की अगर हम बात करें तो इसमें 2 से लेकर 10 तक सैक्राइड के यूनिट्स पाए जा सकते हैं। लेस कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसके अंदर हज़ारों हो सकते हैं। अच्छा, जब आप किसी ओलिगोसैक्राइड को तोड़ेंगे तो आपको या तो 2 या तो 3 या 4 या 5 इस तरह के मोनोसैक्राइड आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करें सुक्रोज की, सुक्रोज जो है वो एक ओलिगोसैक्राइड है, इसके अंदर 2 छोटे छोटे यूनिट होते हैं। जब आप इसे तोड़ते हैं तो आपको एक ग्लूकोज मिलता है, एक फ्रक्टोज मिलता है। तो ये एक ओलिगोसैक्राइड है, ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो आपको मोनोसैक्राइड्स मिलेंगे। तो अगर इसको तोड़ेंगे तो 2 मिलेंगे, अगर किसी 3 वाले को तोड़ेंगे तो आपको 3 मिलेंगे। तो 2 से लेकर 10 तक आपको मोनोसैक्राइड मिल सकते हैं। अच्छा, इनके मुकाबले में सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। जब आप इस तरफ जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, जब आप इस तरफ जा रहे हैं तो टेस्ट भी, स्वीट टेस्ट जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, एंड दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट। तो आपने याद रखना है, इस तरफ से इस तरफ जाते हुए जो टेस्ट है वो कम हो रहा है, और दूसरी चीज़ जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो रही है। पॉलीसैक्राइड 10 से ज़्यादा यूनिट, क्योंकि 10 तक तो ओलिगो कह दिया आपने, अगर किसी में 11 हैं या 100 हैं या 1000 हैं या 10,000 हैं तो आप उन्हें पॉलीसैक्राइड्स कहेंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जब आप इन्हें तोड़ते हैं, तो इनसे भी आपको क्या मिलते हैं, इनसे भी आपको मोनोसैक्राइड मिलते हैं, लेकिन अब की बार वो 10 से ज़्यादा होंगे।
तो एटलीस्ट 11 मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं, तब आप उसे पॉलीसैकेराइड का नाम देंगे। इनसॉल्युबल है और टेस्टलेस है, तो पॉलीसैकेराइड टेस्टलेस होता है ना। मोनोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो इन्हीं को हम सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, इनको ट्रू कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मल्टीपल ओएच के साथ या तो एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा या फिर कीटोन ग्रुप लगा हुआ होगा। अच्छा, मोनोसैकेराइड को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। मोनोसैकेराइड तो वो है ना जिसको अगर आप फर्दर तोड़ेंगे तो आपको कोई और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इसके अंदर कार्बन के नंबर कितने हैं। सैकेराइड तो एक है, यूनिट तो एक है, लेकिन उस एक यूनिट के अंदर कार्बन के नंबर कितने हैं तो उसकी बेसिस के ऊपर भी क्लासिफाई किया जाता है। तो 3 से लेकर 7 तक जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन है। अच्छा, और क्या था इसके अंदर, हमें दिखा दूं यहाँ पे, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। तो ये सारे के सारे मोनोसैकेराइड है, ये सब मोनोसैकेराइड है, यानी अगर आप इसे फर्दर तोड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेंगे। लेकिन इस मोनोसैकेराइड के अंदर 3 कार्बन है, तो इसको हम ट्रायोजिस कहते हैं। ठीक है, ओजिस जो है ये कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है, ओस ओएसी, जिस तरह एएसी एंजाइम के लिए यूज होता है। तो ट्राई का मतलब 3 है, टेट्रा का मतलब 4 कार्बन हो गए, पेंटा का मतलब 5, हेक्सो का मतलब 6 और हेप्टो का मतलब 7। अच्छा, इनके जो दोनों फॉर्म्स है वो भी दी हुई हैं, यानी यूजुअली ऐसा होता है कि हर एक जो है, यानी 3 कार्बन वाला जो है वो दोनों फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक फॉर्म उसकी होती है जिसमें उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक ऐसी होती है जिसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है। तो यहाँ पे दोनों दी हुई हैं, जैसे कि 3 कार्बन वाला जो है एक है ग्लिसरलडिहाइड। अच्छा, ये आपने सुन लिए हैं चैप्टर नंबर, मेरे ख्याल में जो भी आपका फेडरल के अंदर बायो एनर्जेटिक्स का जो चैप्टर है उसके अंदर आपने देखा है ये मॉलिक्यूल जो है ग्लिसरलडिहाइड जो है ये आपने उसके अंदर देखा है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी देखा है और ये आपने फोटोसिंथेसिस के अंदर भी देखा है। तो ग्लिसरलडिहाइड जो है ये बेसिकली एक 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। और आपको अगर याद हो, जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, ग्लूकोज तो नहीं होता, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है, फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनता है, फिर फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट बनता है, राइट। उसके बाद ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल टूटता है 2 के अंदर, तो उनमें से एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट और एक मॉलिक्यूल बनता था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, आपको अगर याद हो DHAP। और फिर हम देखते थे कि ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, तो DHAP कन्वर्ट हो जाता था इसके अंदर ग्लिसरलडिहाइड के अंदर। क्यों? क्योंकि फार्मूला क्या है, फार्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, तो आइसोमराइजेशन होती है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं ना। तो ग्लिसरलडिहाइड जो है, अच्छा, जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है ऐसे कार्बोहाइड्रेट एल्डोजेस कहलाते हैं, जिनके अंदर कीटोन ग्रुप होता है वो कीटोजेस कहलाते हैं। तो 3 कार्बन वाला एल्डोज उसका नाम आपको पता होना चाहिए ग्लिसरलडिहाइड, 3 कार्बन वाला कीटोज उसका नाम आपको पता होना चाहिए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। कहाँ इस्तेमाल होते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस के अंदर और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, मैं बता चुका हूँ। अच्छा, टेट्रोज 4 कार्बन वाले, इसकी भी 2 फॉर्म है, एक एरिथ्रोज है जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एक एरिथ्रोलोज है जिसके अंदर कीटोन ग्रुप होगा। ये बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जो आपने डिटेल में कहीं नहीं पढ़ा। पेंटोज की अगर हम बात करें, अच्छा ये आपने देखें, एक है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, ये एल्डिहाइड की फॉर्म है, यानी इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा आपको। ये आपको डीएनए आरएनए के अंदर मिल जाएंगे, राइबोज आरएनए के अंदर होते हैं, डीऑक्सीराइबोज डीएनए के अंदर होते हैं। और राइबुलोज, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ये इसकी कीटोन फॉर्म है, ये आपको मिल जाता है उसके अंदर, कौन सी साइकिल है वो, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन के अंदर जो है वो राइबुलोज 5-फॉस्फेट आपको मिल जाता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। हेक्सोज की अगर हम बात करें तो इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि फ्रक्टोज जो है इसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है, और ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो ग्लूकोज रेस्पिरेटरी फ्यूल है, ठीक है, ये आपको ग्लाइकोलाइसिस के अंदर स्टार्ट में मिल जाएगा। फ्रक्टोज इंटरमीडिएट होता है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनता है, और गैलेक्टोज जो है ये मिल्क शुगर के अंदर पाया जाता है। हेप्टोज 7 कार्बन वाले हैं, इसकी एल्डिहाइड फॉर्म ग्लूकोहेप्टोज कहलाती है, और कीटोज जो है ये सीडो हेप्टोलोज कहलाता है। ये फोटोसिंथेसिस के अंदर होते हैं, कहाँ होता है ये आपने डिटेल में नहीं पढ़ा। खैर, तो मोनोसैकेराइड की हम बात कर रहे थे, मोनोसैकेराइड के बारे में आपने ये तो देख लिया कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये एक बात थी जो कि आपको पता लग गई। दूसरी बात ये थी कि दे ऑल हैव स्वीट टेस्ट। उसके अलावा दो प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी और यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि किसी भी मोनोसैकेराइड के अंदर जितने भी कार्बन होते हैं, ठीक है, जितने भी कार्बन किसी मोनोसैकेराइड के अंदर होते हैं सिवाय एक को छोड़ के, उन सब के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और जो बचा हुआ कार्बन है जिसको आपने छोड़ दिया था उसके ऊपर या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है। क्योंकि अभी हमने बात की थी ना कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तो अगर मैं पीछे डायग्राम पे ले जाऊँ आपको, अच्छा ये एक ऐसा मोनोसैकेराइड है जिसमें 3 कार्बन है, 1, 2, 3, तो बाय डेफिनेशन 3 में से एक को छोड़ के बाकी 2 के ऊपर OH होना चाहिए। यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, और जो तीसरा है जिसके ऊपर OH नहीं है उसके ऊपर जो ग्रुप होगा वो मौजूद होगा, यानी इसके ऊपर एल्डिहाइड लगा हुआ है।
यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसके ऊपर OH है, इसके ऊपर OH है, और जो बच गया उसके ऊपर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो चाहे 3 कार्बन हो चाहे 6 कार्बन हो, हर बार रूल सेम रहेगा कि सारे कार्बन जो हैं उनके ऊपर OH ग्रुप लगा होगा, सिवाय एक को छोड़ के जिसके ऊपर या तो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप लगा होगा। इनका जनरल फार्मूला आपको पता है, CnH2nOn इसे कहते हैं आप। क्लासिफिकेशन की बात हम कर चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एल्डिहाइड एल्डोसिस कहलाते हैं, कीटोन कीटोसिस कहलाते हैं, और बाकी ये मैं बता चुका हूँ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिकल स्ट्रक्चर। अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल है जो कि सिन बोर्ड के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती, ठीक है, देख लेते हैं इसे। अच्छा, मोनोसैक्राइड्स हैं, जब भी आप उन्हें देखते हैं तो यूजुअली जो है ये ओपन स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ओपन चेन स्ट्रक्चर। लेकिन जब ये पानी के अंदर जाते हैं, एक्वस मीडियम के अंदर जाते हैं, तो ये बंद हो जाते हैं, यानी ये ओपन नहीं रहता, ये क्लोज बन जाता है, जिसे आप रिंग स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, ठीक है। तो पानी के बाहर जो है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, बट पानी के अंदर मोस्ट ऑफ देम जो है, जिसमें स्पेशली पेंटोज की अगर बात करें और हेक्सोज की बात करें, यानी ट्रायोज टेट्रोज इतना नहीं, लेकिन जो पेंटोज और पेंटोज और हेक्सोज हैं, 5 कार्बन वाले और 6 कार्बन वाले, जब आप उन्हें पानी के अंदर डालते हैं तो उनका स्ट्रक्चर बंद हो जाता है, वो रिंग शेप स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये होता किस तरीके से है? अच्छा भाई देखो, अब ये हुआ कैसे, ये हमारे पास राइबोज है जो कि 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है, ये उसका ओपन स्ट्रक्चर है और ये इसका क्लोज स्ट्रक्चर है, जिसे आप रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अच्छा, अब ये इसके अंदर कन्वर्ट कैसे हुआ? ये ड्राई फॉर्म के अंदर था, जब आपने एक्वस मीडियम के अंदर डाला तो ये रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो गया। अच्छा, हुआ क्या, ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जब आप इसे डिसॉल्व करेंगे पानी के अंदर, जो ऑक्सीजन एटम है एल्डिहाइड ग्रुप का, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका जो ऑक्सीजन एटम है वो रिएक्ट करता है सेकंड लास्ट कार्बन के साथ। सेकंड लास्ट कार्बन इस सिनेरियो के अंदर ये है, फोर्थ कार्बन जो है वो सेकंड लास्ट है, क्योंकि फिफ्थ कार्बन लास्ट है। अच्छा, इसमें होता ये कि ऑक्सीजन जो है वो लिंक बनाता है C1 और C4 के दरमियान में, जबकि जो OH ग्रुप है इसका वो ट्रांसफर हो जाता है C1 के ऊपर। समझ नहीं आया ना? बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि मैंने समझाया नहीं अभी, मैंने सिर्फ पढ़ के बताया। देखो भाई, हो क्या रहा है, यहाँ पर मौजूद है CHO। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा निकाल के बनाऊँ तो ये इस तरह से बॉन्ड हुआ है, सी के साथ डबल बॉन्ड ओ है और एक तरफ इसके लगा हुआ है H, ठीक है। ये मैंने इसको खोल के बनाया, ये जो कार्बन नंबर 1 है और इस तरफ ये कार्बन नंबर 2 के साथ ज्वाइन हुआ है, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। कार्बन नंबर 1 चार बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, हर कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो इसके चार बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ और दो बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ। तो सबसे पहला काम जो करना है आपने वो ये है, अगर आप इसे रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो इसका ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड बना हुआ है वो टूटेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, ये सी है, ये ऑक्सीजन के साथ मैंने डबल बॉन्ड तोड़ दिया, एक बॉन्ड रह गया, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, इधर नीचे कार्बन लगा हुआ है, ये सब सलामत है। अच्छा, जो एक बॉन्ड टूटा है उसके बदले कार्बन भी एक बॉन्ड बना सकता है अब, और ऑक्सीजन भी एक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, जो कार्बन नंबर 4 है, ये वाला कार्बन नंबर 4, इसका बॉन्ड यहाँ पर तोड़ूंगा। जब मैं इसका बॉन्ड तोड़ूंगा तो ये OH अलग हो जाएगा, ठीक है। मैं इस OH को उठाकर ला के लगा दूंगा कार्बन नंबर 1 पे, क्योंकि कार्बन नंबर 1 अब एक बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन नंबर 1 जो दो बॉन्ड बना रहा था उसमें से हमने एक तोड़ दिया और उसके बदले हमने OH उठाकर लगा दिया 4 वाले कार्बन का कार्बन नंबर 1 पे, सिंपल। तो यहाँ पर OH नहीं रहा। अच्छा, जब आपने यहाँ बॉन्ड तोड़ा था तो कार्बन के पास अब एक फ्री बॉन्ड है। अच्छा, इस कार्बन के पास भी एक फ्री बॉन्ड है और इस ऑक्सीजन के पास भी एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। तो अब होगा क्या, इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ लिंक कर दिया जाएगा। इस तरह से ये रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। मैं थोड़ा सा सादे पेज के ऊपर बना के दिखाता हूँ। देखिए, सिचुएशन ये है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, क्योंकि अगर आपको समझ आ गया फिर आपको मुश्किल नहीं होगी, ये 5 कार्बन है हमारे पास। अच्छा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4 के ऊपर लगा हुआ है OH, ठीक है, और कार्बन नंबर 1 के ऊपर लगा हुआ है डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन, इधर लगा देता हूँ मैं हाइड्रोजन, ठीक है, इधर अभी कोई बॉन्ड नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये किया कि इस कार्बन का जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक किया, अब सिंगल बॉन्ड रह गया यहाँ पे, ठीक है। इधर हाइड्रोजन मौजूद है, इधर कार्बन मौजूद है, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अच्छा, तो जब यहाँ से एक बॉन्ड टूटा तो कार्बन भी एक बॉन्ड बना सकता है अब और ऑक्सीजन भी एक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों ने जो बीच में बॉन्ड बनाया हुआ था वो टूट गया। अच्छा, यहाँ पे जो OH था वो आपने तोड़ दिया, जब आपने यहाँ वाला OH हटा दिया, ठीक है, यहाँ जो OH था वो हटा दिया, तो ये कार्बन अभी एक बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ से OH उठा के आपने लगाया यहाँ पे, कार्बन नंबर 4 का OH आपने शिफ्ट किया कार्बन नंबर 1 पे, तो कार्बन नंबर 1 हो गया कम्प्लीटली सैचुरेट, क्योंकि इसके चारों बॉन्ड बन गए, 1, 2, 3, 4। अब बॉन्ड कहाँ कहाँ बन सकता है,
ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना सकता है और ये कार्बन एक बॉन्ड बना सकता है, तो बस इनको जोड़ दो, ठीक है। अच्छा, जोड़ने के लिए बेहतर तरीका ये है कि आप ऑक्सीजन को बीच में लें ताकि आपको समझ आए। तो आप करना ये है कि ये कार्बन है, ठीक है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन, इसके साथ ये लगा हुआ है OH ऊपर वाला, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है हाइड्रोजन। अच्छा, अब ऑक्सीजन को मैं लगा दूं यहाँ पे, मैं खींच के ले आया ऑक्सीजन को यहाँ पे, तो एक बॉन्ड इसका कार्बन के साथ बना हुआ है, कार्बन नंबर वन के साथ, और दूसरा बॉन्ड अब बना है इसका कार्बन नंबर फोर के साथ। ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो गया रिंग स्ट्रक्चर के अंदर, और आपको नज़र आता है कि जो पांचवा कार्बन है वो रिंग से बाहर होता है। तो नंबरिंग यहाँ से हो गई, ये कार्बन नंबर वन है, ये कार्बन नंबर टू है, ये कार्बन नंबर थ्री है, ये कार्बन नंबर फोर है। अब अगर मैं आपको डायग्राम के अंदर दिखाऊं, तो ये ऑक्सीजन है बीच में आ गया, ये कार्बन नंबर वन है, ठीक है, ये कार्बन नंबर टू है, ये कार्बन नंबर थ्री है, ये कार्बन नंबर फोर है, और ये वाला कार्बन कार्बन नंबर फाइव है जो कि बाहर घूम रहा है, ठीक है। आपने किया क्या था, जो कार्बन नंबर फोर था ये वाला कार्बन, यहाँ से OH उठा के कार्बन नंबर वन पे रखा, और एक बॉन्ड कार्बन नंबर फोर के साथ और एक बॉन्ड ऑलरेडी जो कार्बन नंबर वन के साथ था, इससे ये रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज हाउ ओपन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रिंग के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, अभी इतना सा नहीं है, अभी आगे और थोड़ा सा डिफिकल्ट इन्होंने किया है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो इसके अंदर इन्होंने दिया है। अच्छा भाई, अब जो रिंग स्ट्रक्चर्स हैं ना, उनकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक हम उन्हें कहते हैं, एक को हम कहते हैं अल्फा फॉर्म और एक को हम कहते हैं बीटा फॉर्म। अच्छा देखें, पिछली इमेज के अंदर आपने देखा था वो पांच कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, ठीक है, अब ये सिक्स कार्बन वाला है। काम यहाँ पर भी वही होगा, जो पहला कार्बन है उसका डबल बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, और जो सेकेंड लास्ट है, हमने ये नहीं कहा था कि कार्बन नंबर फोर ही होगा हमेशा, हमने कहा था सेकेंड लास्ट। अब इसमें जो सेकेंड लास्ट है वो कार्बन नंबर फाइव है, तो इसका OH उठा के आप भेजेंगे कार्बन नंबर वन पे, ठीक है, और जो बॉन्ड बनेगा वो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बनेगा, तो आपको रिंग स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये ऑक्सीजन है, कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर फाइव के दरमियान बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन का, और सिक्स वाला कार्बन बाहर है। अच्छा, अब इसकी दो फॉर्म्स है, एक को आप कहते हैं अल्फा, जो भी पेंटोज होते हैं यानी पांच कार्बन वाले और जो छह कार्बन वाले होते हैं, जब भी उनका रिंग स्ट्रक्चर होता है तो आप उन्हें दो तरह से डिफाइन करते हैं, और ये किसकी बेस के ऊपर होता है, ये आप देखते हैं हाइड्रोजन और OH ग्रुप, कार्बन नंबर वन जो है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन और OH ग्रुप लगे हैं उनकी बेसिस के ऊपर देखते हैं। तो एक को आप अल्फा ग्लूकोज कहेंगे, एक को आप बीटा ग्लूकोज कहेंगे, एक को आप अल्फा फ्रक्टोज कहेंगे, एक को आप बीटा फ्रक्टोज कहेंगे। अच्छा, डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर। अब मैं इसको आसान तरीके से समझाता हूँ। मान लें कि कोई स्टूडेंट है जो कि इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहा है, तो उसने अभी इंग्लिश के अंदर सिर्फ एक अल्फ़ाबेट सीखा है, ठीक है, ए सीखा है, क्या उसका लेवल अप है या डाउन है, ठीक है, अप या डाउन का मतलब हाई लेवल है या लो लेवल है। तो अगर सिर्फ एक अल्फ़ाबेट उसे आता है तो उसका लेवल डाउन है, ठीक है। जब वो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट सीखेगा यानी बी सीखेगा, तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, उसका लेवल अप हो जाएगा, यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं उसका लेवल अप होता जाता है। तो अगर किसी को सिर्फ ए आता है तो उसका लेवल डाउन है, और अगर किसी को सिर्फ बी आता है तो उसका लेवल अप है। या ये अगर आपने याद रख लिया तो ये आप नहीं भूलेंगे। तो अगर आपने देखा रिंग स्ट्रक्चर और इस रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर जो OH ग्रुप है वो डाउन है, तो अगर किसी को सिर्फ ए आता है तो वो क्या होता है, उसका लेवल डाउन होता है। तो OH अगर डाउनवर्ड है तो इसका मतलब दिस इज़ कॉल्ड अल्फा शुगर, ठीक है। OH जिसके अंदर भी कार्बन नंबर वन का OH जो है, कार्बन नंबर वन देखना है, बाकी OH ने देखना, कार्बन नंबर वन के ऊपर जो OH लगा हुआ है अगर उसकी ओरिएंटेशन डाउनवर्ड है तो ये अल्फा शुगर्स कहलाते हैं, और अगर ओरिएंटेशन उसकी अपवर्ड है तो उसका लेवल अप हो गया, उसको बी आ गया, दिस इज कॉल्ड बीटा शुगर, ठीक है। तो ये दो फॉर्म्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन के OH जो है वो डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। अच्छा, अब आ जाते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर। तो भाई आइसोमर्स के बारे में आप पढ़ते हैं कि दीज आर द मॉलिक्यूल्स, इनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर आइसोमर्स की पूरी एक फैमिली है कि डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स होते हैं, उनमें एक टाइप के जो हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, जिसे आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म इस फिनोमेना को कहते हैं। तो बेसिकली अगेन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो इनका सेम होता है, बट उनकी जो अरेंजमेंट होती है स्पेस के अंदर, 3D स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट होती है, अभी समझ आ जाएगा आपको। तो वो 3D स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है वो इनकी डिफरेंट होती है। अब स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं उनकी फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक डाइस्टीरियोमर्स होते हैं और एक इनेंशियोमर्स होते हैं। यहाँ पर हम इनेंशियोमर्स की बात कर रहे हैं। इनेंशियोमर्स वो टाइप होती है स्टीरियो आइसोमर्स की जिनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं, यानी एक अगर आप उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो फिट नहीं बैठती, दिस इज़ कॉल्ड नॉन सुपरइम्पोजिबल। अगर सुपरइम्पोजिबल है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखें, जैसे आपकी किताब है, ठीक है, आपकी जो एक किताब है, अगर आप दो किताबें लें, अगर आप दो किताबें लें और उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखें बिल्कुल सेम तरीके से, तो वो सुपर इम्पोजिबल हैं, वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आकर बैठ गए।
बट अगर आप दो किताबें लें जो कि एक दूसरे की उलट हों, आप उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं की जा सकती, ठीक है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं, जिस तरह आपका राइट और लेफ्ट हैंड है, ठीक है, वो दोनों एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन जब आप उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते एक दूसरे के ऊपर। तो दीज आर मिरर इमेजेस, आपका जो राइट हैंड है उसके अंदर भी पांच उंगलियां हैं, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है उसके ऊपर भी पांच उंगलियां हैं, लेकिन उनकी जो ओरिएंटेशन है स्पेस के अंदर वो डिफरेंट तरीके से हुई है कि वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, वो एक दूसरे के उलट हैं। तो दीज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स दे आर नोन एज इनेंशियोमर्स, जो कि टाइप है, स्पेशल टाइप है किसकी, स्टेरियो आइसोमर्स की। तो हमारे पास शुगर्स की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज की दो वेराइटीज़ होती हैं, एक होती है राइट हैंडेड और एक होती है लेफ्ट हैंडेड। तो यूजुअली राइट के लिए डी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, और जो एल है उस जो लेफ्ट है उसके लिए जो है वो एल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डी जो है मेरे ख्याल में उसका मतलब डेक्सा होता है, तो वो राइट के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। इनके अंदर अगर आप देखें तो इन दोनों के अंदर जो OH है वो डाउनवर्ड है, ठीक है, जब OH डाउनवर्ड होता है तो वो अल्फा ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो ये अल्फा ग्लूकोज ही हैं दोनों, लेकिन उसके अंदर आप देखें तो इनकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे कि इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देखें तो कार्बन नंबर वन जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज कार्बन नंबर, कहाँ गया, दिस इज कार्बन नंबर वन। इसके अंदर नंबरिंग आई थिंक गलत हुई भी है, ये आपके पास ऑक्सीजन है, और अगर ये फिफ्थ कार्बन है सो दिस मस्ट बी फर्स्ट कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन के एक तरफ सेकेंड लास्ट कार्बन होता है, एक तरफ फर्स्ट कार्बन होता है, तो ये नंबरिंग गलत हुई हुई है, दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन। तो अगर आप इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में देखें तो इसका जो फर्स्ट कार्बन है वो लेफ्ट हैंड के ऊपर आ रहा है, जबकि अगर आप इसके अंदर देखें तो ये ऑक्सीजन है, इसके एक तरफ ये फिफ्थ कार्बन है और एक तरफ ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट कार्बन है वो राइट हैंड के ऊपर आ रहा है, तो ये राइट हैंडेड ग्लूकोज है जो राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, और ये लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज है जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज, दीज आर नोन एज इनेंशियोमर्स, ठीक है। इन दोनों का सेम केमिकल फार्मूला है, सेम इनके अंदर एटम्स इसके अंदर मौजूद है, बट इन दोनों की जो स्पेस के अंदर अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हुई हुई है। दिस इज लाइक योर राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, अगर आप अपना लेफ्ट हैंड यहाँ रखते हैं तो आपका जो थंब है वो इस तरफ आता है, और अगर आप राइट हैंड यहाँ रखते हैं तो आपका थंब जो है वो इस तरफ आता है। दोनों के अंदर सेम उंगलियाँ हैं लेकिन उनकी जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है, तो इन्हें हम इनेंशियोमर्स का नाम देते हैं। अच्छा भाई, अब ये जो डी और एल ग्लूकोज है इनमें से कौन सा नेचुरली अकरिंग होता है, तो जो नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज होता है हमारे पास वो डी ग्लूकोज होता है, यानी जो राइट हैंडेड शुगर है वो नेचर के अंदर पाई जाती है मेनली, और वही हम बॉडी के अंदर जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं। तो जो एल शुगर्स हैं वो लैब के अंदर मैन्युफैक्चर की जा सकती हैं, बट हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करते, हमारे पास जो एंजाइम्स हैं वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज हमारे जो एंजाइम्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन हुए हुए हैं कि वो सिर्फ डी शुगर्स जो हैं उनके साथ रिएक्ट कर सकें, क्योंकि मैंने बताया कि ये दोनों एक जैसे नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे नहीं है। आपका जो राइट हैंड है अगर आप उसे लेफ्ट हैंड के ऊपर एग्जैक्टली सेम तरीके से रखें तो वो मैच नहीं करता, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है, और ये आपका राइट हैंड है, ये तो पैर बन गया। तो अगर आप इसे उठाकर एग्जैक्टली इसके ऊपर रखें तो वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसका थंब इधर आ रहा है, इसका थंब इधर आ रहा है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो डी शुगर्स के साथ रिएक्ट करने वाला रिसेप्टर है या जो एंजाइम है वो एल शुगर्स के ऊपर वर्क नहीं करेगा, दे आर वेरी स्पेसिफिक, अपनी ओरिएंटेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। तो नेचुरली अकरिंग शुगर जो बॉडी के अंदर होती है वो डी शुगर्स होती हैं, हमारी जो प्रोटीन्स हैं, हमारे जो सेल रिसेप्टर्स हैं, हमारे जो एंजाइम्स हैं, वैसे डिज़ाइन किए गए हैं कि वो डी शुगर्स के साथ रिएक्ट करें। तो जो एंजाइम्स हैं स्टमक के अंदर वो सिर्फ राइट हैंडेड शुगर्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड शुगर्स जो हैं दे कैन नॉट बी मेटाबोलाइज, ठीक है, वो आपके जो एंजाइम्स हैं वो मेटाबोलाइज नहीं कर सकते। अच्छा, राइट हैंडेड एंजाइम जो है वो फिट ही नहीं होगा, बेसिकली लेफ्ट हैंडेड सबस्ट्रेट जो होते हैं उनके साथ राइट हैंडेड जो एंजाइम है, यानी वो एंजाइम जो राइट हैंडेड सबस्ट्रेट को, राइट हैंडेड मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइज करने के लिए बनाया गया है, वो लेफ्ट हैंडेड या लेफ्ट साइडेड सबस्ट्रेट जो हैं उनके साथ फिट ही नहीं होगा, जब फिट नहीं होगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो एक वक्त था जब इनको एल ग्लूकोज जो है उसे एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी गई थी, क्योंकि आप इसे ले सकते हैं लेकिन ये आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कोई कैलोरीज प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि उसे मेटाबोलाइज किया ही नहीं जा सकता। बट फिर जो है आई थिंक ये आइडिया जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, उसका रीज़न ये है कि इसके ऊपर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो बहुत अच्छा आइडिया था, क्योंकि आप देखें जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, क्योंकि दोनों का टेस्ट सेम होता है, जो डी ग्लूकोज है और जो एल ग्लूकोज है उनका टेस्ट सेम होता है, लेकिन जो डी ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी यूज़ करती है, जो एल ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी यूटिलाइज ही नहीं करेगी। तो आप एल ग्लूकोज ले सकते हैं, आपकी चाय जो है वो मीठी होगी लेकिन आपकी कैलोरीज जो है वो नहीं बढ़ेगी, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है वो नहीं बढ़ेगा।
ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड वो होते हैं जिनके अंदर कुछ मोनोसैकेराइड जो है वो पाए जाते हैं। कितने? 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड हो सकते हैं। अच्छा, आप अगर खाली 2 हो तो आप उसे डाईसैकेराइड कहते हैं, खाली 3 हो तो ट्राईसैकेराइड कहते हैं, खाली 4 हो तो टेट्रासैकेराइड कहते हैं, इस तरह से। लेकिन ओवरऑल जो कैटेगरी है वो ओलिगोसैकेराइड कहलाती है। अच्छा, इनमें सबसे कॉमन जो है वो डाईसैकेराइड ही होती है, यानी सारे ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो डाईसैकेराइड्स है। ना डाईसैकेराइड जो है वो मोनोसैकेराइड के मुकाबले में लेस स्वीट और लेस सॉल्युबल होते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। 3 बड़े कॉमन है, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। अच्छा, जनरल फार्मूला इनका क्या है भाई? C12H22O11। अच्छा, अब अगर आप गौर करें यहाँ पे तो डाईसैकेराइड्स वो हैं जो 2 मोनोसैकेराइड के मिलने से बनते हैं, और इसके अंदर आपका जो जनरल फार्मूला बन रहा है उसमें 12 कार्बन है, ठीक है, 24 हाइड्रोजन होने चाहिए लेकिन 24 हाइड्रोजन नहीं है, और ऑक्सीजन भी 12 होने चाहिए लेकिन 12 नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जब 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे तो एक जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल उसमें से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक H2O अगर आप निकाल दें तो हाइड्रोजन 24 के बजाय 22 रहेगा और ऑक्सीजन 12 के बजाय 11 रहेगा। ना फर्स्ट इज सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो इट इज़ ऑल्सो नोन एज केन शुगर, क्योंकि ये उसके अंदर से मिलता है हमें, स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपकी जो चीनी होती है वो सुक्रोज है। प्लांट्स के अंदर सुक्रोज जो है वो ट्रांसपोर्ट डाईसैकेराइड। ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लीव्स जो है वो ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन कुछ ग्लूकोज को वो कन्वर्ट करते हैं फ्रक्टोज के अंदर, इन दोनों को मिलाकर वो बनाते हैं सुक्रोज। तो प्लांट्स के अंदर जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन होती है उसके अंदर ग्लूकोज या फ्रक्टोज नहीं घूम रहे होते बल्कि सुक्रोज घूम रहा होता है। अच्छा, वेरी सॉल्युबल एंड कैन देयरफॉर बी मूव हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, पानी के अंदर सॉल्युबल होता है जब भी इसको सोल्यूशन के तौर पर बना के भेजा जाता है। अनरिएक्टिव, केमिकली अनरिएक्टिव होता है, ये बहुत अच्छी बात है, केमिकली अनरिएक्टिव है। उसका रीज़न ये है कि ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल के तौर पर ये बहुत अच्छी तरह से बिहेव कर सकता है। अच्छा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। अच्छा, अब यहाँ पर हैं बॉन्डिंग्स, ये बॉन्डिंग्स आपको सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर शायद पढ़ाई हो टीचर ने, तो वो बॉन्डिंग्स जो हैं डिफरेंट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जो बॉन्डिंग्स है डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो वो आपको यहाँ पर मैंशन किए गए, वो आपने याद भी रखनी है, क्योंकि सिर्फ सिंपल क्वेश्चन जो है वो एक बॉन्डिंग्स के ऊपर पूछा जा सकता है। अच्छा, अब अगर आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ना चाहते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसाइडिक कहलाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नंबर जो है वो मेंशन करता है कि कौन सा कार्बन जो है वो आपस में जुड़ रहा है। तो OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 का, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप रिएक्ट करता है किसके साथ? फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 के OH ग्रुप के साथ। तो इस तरह से हमारे पास जो लिंकेज बनती है वो कहलाती है 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। ये यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, और कौन सा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है भैया हमारे पास? तो ये आपके पास अल्फा ग्लूकोज है। कैसे पता मुझे? क्योंकि अल्फा के अंदर से जो OH है वो डाउनवर्ड होता है, ठीक है, लो लेवल है, खाली A सीखा है अभी, तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर OH डाउनवर्ड है, सो दिस इज अल्फा ग्लूकोज। जबकि ये जो फ्रक्टोज है ये बीटा फ्रक्टोज है। कैसे पता मुझे कि ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो है ये OH आपको ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो OH है वो ऊपर नजर आ रहा है, सो दिस इज बीटा फ्रक्टोज। तो जो बॉन्ड बनेगा वो किसके दरमियान बनेगा? जो ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 1 और जो फ्रक्टोज है उसका कार्बन नंबर 2, इनके दरमियान जो है वो आपको बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा। अच्छा सॉरी, ये नहीं है, कार्बन नंबर 1 ये है, इसका जो OH है वो यहाँ पे आपको ऊपर नजर आएगा, जब ये खोल के बताएंगे तो ये ऊपर नजर आएगा। तो जो बॉन्ड बनेगा वो कार्बन नंबर 1 इधर और कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 2 है, इसके दरमियान बनेगा, ठीक है, इन दोनों OH के दरमियान बॉन्ड बनेगा, तो वो बनता हुआ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अच्छा, ये आपके पास कार्बन नंबर 1 था, यहाँ से आपका O निकल गया, ठीक है, पूरा OH निकल गया, सॉरी ये जो OH है ये यहाँ से निकल गया, ठीक है, खाली H रह गया, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, खाली H रह गया। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी आ गई, यहाँ पर जो OH था उसमें से खाली H निकल गया तो O रह गया, तो इसके अंदर भी बॉन्ड बनाने की एबिलिटी आ गई, तो ये आपस में जुड़ गए। जब ये आपस में जुड़ गए तो ये बन गई आपकी अल्फा 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और ये H2O जो है ये रिमूव हो गया यहाँ पर। सो दिस इज हाउ सुक्रोज जो है वो फॉर्म होता है विद अल्फा 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये बॉन्डिंग्स आपने याद रखनी है, किस शुगर के अंदर कौन सी टाइप की बॉन्डिंग आपको देखने को मिल रही है।